हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 6 माइक के बारे में जो हमारे दुनिया पे स्ट्रीमिंग वर्ल्ड को बदल देगा। चलिए शुरू करते आज हम जो बात करने वाले हैं 6 नंबर पे, वो है जेलमन ZM माइक 1। इसका पावर जो है 2 वोल्टेज का है और इसका जो तार है उसका रेंज है 3.5 मिलीमीटर। आप समझ रहे हैं ना, इसका फीचर जो है 3 मिनी क्लिप्स है, आप वो लगा के देख सकते हैं आपके शर्ट पे। ओके, इसका वेट बहुत ही कम है और इसका उतना भी पावर नहीं लगता। मैं आप जो बात कर रहा हूँ फोकस राइट स्कारलेट CM25MK2। इसका पावर जो है 5 वोल्टेज और इसका फ्रीक्वेंसी जो है 20 हर्ट्ज़। ओके, इसका फीचर जो है माइक स्टैंड है इसके साथ और केबल तो है ही, तो आप पीसी में लगा सकते हो। और ये डब्बा देखते हो ना, इसका साइज उतना ही है, थोड़ा साउंड देख लो इसका। So today I am focusing on the actual microphone, which is the Scarlett Studio CM25. This is also an analog condenser microphone, which means it will require phantom power to. अब हम बात करने जा रहे हैं रोड एंड टी यूएसबी। ये इसका पावर है 5B और इसका फीचर्स आप माइक मिक्सिंग कर सकते हैं, ट्राइपॉड भी है और कुछ भी है, USB से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका गाना गाने से बहुत अच्छा होता है, या आप गाना गा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे दूं, आप जो वो देख रहे हो ये इस बॉक्स में, इस बॉक्स के अंदर एक माइक्रोफोन है, उसका नाम है रेजर शेविंग एक्स। ये एक स्ट्रीमिंग माइक्रोफोन है, इसमें आप और बहुत कुछ कर सकते हैं। इसका पावर है 5 वोल्टेज और इसका फीचर बिल्ट इन शॉक माउंटेन है और म्यूट बटन भी है और 3.5 मिलीमीटर है और फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज और USB से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करने वाले एंट लायन मॉड माइक। इसका पावर जो है 10 वोल्टेज और कनेक्टिविटी USB से और आप केबल के थ्रू भी कर सकते हैं। केबल का 3.5 मिलीमीटर होना सकता है, फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। ओके, इसका फीचर्स है म्यूट स्विचेस एंड 1 मीटर एंड 2 मीटर केबल। ओके, कैरिंग केस भी है सर, कैरिंग केस। ओके, ब्लू यती USB माइक्रोफोन, पावर 5 वोल्टेज है इसका और कनेक्टिविटी USB के थ्रू और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 20 हर्ट्ज। म्यूट एंड हेडफोन वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं इसके साथ। इसका फीचर और भी है 4 कलर चॉइसेस, इसका बहुत सारा कलर है। ओके, आप ऑडियो गेन भी कर सकते हैं, मतलब बनाना चाह सकते हैं। ओके, और भी है पर मैं बोल नहीं सकता क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो आप लोग मेरे को हेट करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो भी यूट्यूबर वीडियो यूज़ कर रहा वो लोग ऑफेंड नहीं होना और देख, और सब लोग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।